गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू स्टैंडर्ड सेकेंड। टेक इट आउट दिस मैथ्स वर्कबुक, मैथ्स मैजिक बुक निकालो, उसमें चैप्टर नंबर 12 गिव एंड टेक, जो हमने टेक्स्ट बुक में पूरा चैप्टर पढ़ा था वो ही हमको यहाँ पर कंप्लीट करना है। वर्कबुक में पेज नंबर 59 निकालो। पेज नंबर 59 पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग बेसिक कंसेप्ट, सो द एडिशन बाय ड्रॉइंग नेकलेस ऑफ 10 बीट्स। उस टेक्स्ट बुक में मैंने आपको समझाया था कि उसमें आपको माला बनानी है, 10-10 मोतियों की माला बनानी है, मतलब एक जो माला होती है उसमें 10 बीड्स होने चाहिए, 10 मोती होने चाहिए। उस नेकलेस का इस्तेमाल करके हमें ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम्स कंप्लीट करने हैं। तो कैसे कंप्लीट करेंगे, तो जैसे ये पहला नंबर कौन सा है, 15 है, तो 50 कौन से नंबर को नज़दीक है, तो 10 को नज़दीक है। और नेकलेस में भी हमको कितने बीट्स ना डालने हैं, 10, तो पहले 10 बीट्स की हम माला बना लेते हैं। यहाँ पर भले 15 हो पर हमको नेकलेस में तो 10 ही बीट्स डालने हैं, तो चलो डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बीट्स तो हमने डाल दिए पर यहाँ पर तो 15 है, तो अभी कितने हमने बीट्स नहीं डाले हैं, तो 10 के बाद 11 12 13 14 15, तो 5 बीट्स हमने नेकलेस में नहीं डाले हैं, तो उसको यहाँ पर बाहर की तरफ ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5। जैसे यहाँ पर ऊपर किया वैसे ही हमको नीचे करना है। नंबर कौन सा दिया है, 26, तो एक नेकलेस में हमको कितने बीट्स डालने हैं, 10, तो डाल दो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल दिए। अभी दूसरी, ये 26 है मतलब 20 को नज़दीक नंबर है या है, तो यहाँ पर हम एक और माला ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी ये 20 की माला हो गई पर यहाँ पर तो 26 है, तो 20 से 26 आपको बोलना है, 21 22 23 24 25 26, 6 बीट्स है हमने नहीं डाले है, तो यहाँ पर बार रख दो हमको, 1 2 3 4 5 6। अभी जो हमने नेकलेस सभी ड्रॉ किए, सभी बीड्स हमने यहाँ पर डाले, वो सभी को कैलकुलेट करके यहाँ पर उसका आंसर लिखना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। तो क्या आंसर आया, 41। ओके, तो पहले ऐसे बीड्स बनाओ और यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। वैसे ही यहाँ पर 23 और 12 है, ये एडिशन का सम्स मैंने करके आपको बताया, एक आपको अपने तरीके से बीड्स बनाने हैं, तो ये मैं नहीं करती हूँ। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन और तरफ आ जाओ, पेज नंबर 60 पे, इसमें भी आपको क्या करना है, सो द सब्ट्रैक्शंस बाय ड्रॉइंग नेकलेस। इसमें भी आपको नेकलेस बनाना है और सब्ट्रैक्शंस करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको 34 दिया हुआ है, येस और नो, तो 34 कि आपको नेकलेस 34 पहले तो कौन से नंबर को नज़दीक है, 30 को, तो पहले 10-10 की 3 माला बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 30 माला बन गई पर यहाँ पर कौन सा नंबर है, 34, तो 34 में अभी 30 से बोलो कितने नंबर अभी बाकी है, 31 32 33 34, 4 बीट्स है वो हमने नेकलेस में नहीं डाले क्योंकि माला हमको 10 बीट्स की बनानी है, और अभी हमारे पास कितने बीट्स बाकी है, 4, तो 4 जो बीट्स है वो आपको बाहर बनाना है, 1 2 3 4। अभी यहाँ पर जैसे यहाँ पर 17 है तो 17 की माला आपको नहीं बनानी है, जैसे यहाँ पर हम कैसे करते थे, 15 है तो 15 की माला भी बनाई, 26 है तो 26 की माला भी हमने बनाई। इसमें टेक अवे करना है, टेक अवे मतलब हमको निकाल देना है, जो हमने ऊपर माला बनाई उसमें से नीचे का नंबर को
कट कर देना है, मतलब यहाँ पर 34 की पूरी माला बन चुकी है तो 17 को कट करना है। तो चलो 17 को कट करो, 17 बीट्स को कट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 बीट्स को हमने कट कर दिए। अभी कितने बचे हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितने नंबर बचे हैं? 17। तो यहाँ पर हमको लिखना है 17। ओके, वैसे यहाँ पर टू सम्स दिए हैं, एक मैंने आपको बताया, एक आपको करना है। पर इसमें डिफरेंस क्या है कि नीचे की आपको माला नहीं बनानी है, सिर्फ ऊपर की नंबर की माला बनाओ, नेकलेस बनाओ, उसमें से ये नंबर को कट करो। अभी पेज नंबर 61 पे देखो, मैच द फॉलोइंग दिया है, उसमें प्लस और माइनस दिया है, तो प्लस करते जाओ और आपको मैचिंग आंसर्स करना है। आपको ऐसे दिए ना, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, यहाँ पर एडिशन के सम्स दिए, वो प्लस करके यहाँ पर जो आंसर है उसमें आपको मैचिंग करना है। अभी क्वेश्चन नंबर टू देखो, पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन नंबर टू, सर्कल द करेक्ट आंसर। ये पहले सेंटेंस आप पहले पढ़ो, समझो, फिर मेरे को बताओ कि ये सही है या गलत है। मतलब 22 मोर देन 60 इज एन 82, मतलब कि जो 22 है वो 22 मोर देन मतलब 20 और 60 का दोनों प्लस करना है, एडिशन करना है, 22 और 60 का प्लस, मोर यहाँ पर लिखा है मतलब एडिशंस। तो 20 और 60 का हम प्लस करें तो 0 प्लस 2, 2, 6 प्लस 2, 6 के बाद दो नंबर, 7, 8, तो बन गया 82। तो ये सही जवाब है कि इस दोनों नंबर का हम प्लस करें तो आंसर 82 आता है। यस, दिस इज अ स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये ट्रू पर आपको टिक करना है। वैसे नीचे 10 + 10 + 10 = 20 + 10, मतलब कि 10 + 10 और 10 तो कितने होते हैं, तो कितनी बार 1 है, 1, 2, 3, मतलब ये क्या नंबर है, 30 नंबर हुआ। यस, वैसे ये 20 और 10 को प्लस करो तो वो भी 30 होता है। तो 20 + 10, 0 + 0, 0, 2 के बाद 1 नंबर, 3, तो ये भी 30 हुआ। मतलब ये इसको प्लस करो तो भी आंसर 30 आता है, इसको प्लस करो तो भी आंसर 30 ही आता है, तो वो एक जैसे हुए, एक जैसे हुए, तो हमको ये क्वेश्चन सही है, तो इसको ट्रू करना है। ओके, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, लास्ट आपको करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी आपको करना है। उसमें क्या करना है कि आपको 35 जिसमें आंसर आता हो, 35 उसमें ही बॉक्स में टिक करना है। अभी है सब्ट्रैक्शन के सम्स, सब्ट्रैक्शन के सम्स आपको कैसे करना है, जैसे यहाँ पर हमने नेकलेस बनाया वैसे ही ये सब्ट्रैक्शन के दो सम्स आपको भी कंप्लीट करना है। अभी पेज नंबर 62 पे देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अपग्रेड करना है। मतलब प्रॉब्लम सम्स को, ये सभी को क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन सम्स नहीं बोलते, इसको प्रॉब्लम सम्स बोलते हैं। तो यहाँ आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, बाय हाउ मच इज 92 ग्रेटर देन 54। पहले तो प्रॉब्लम सम्स में सीखने के लिए फर्स्ट स्टेप इज कि पहले क्वेश्चन को समझो और फिर आपको नीचे करो। यहाँ पर मैंने ये लिख रहा है, आपकी बुक में देखो वहाँ पर आपको ये लिखना है कि यहाँ पर माइनस आएगा या प्लस आएगा, तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बच्चों क्या लिखा है, 92 ग्रेटर देन 54, तो 92 54 से बड़ा है, तो वो देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शंस करना पड़ता है। तो यहाँ पर 92 है तो 2 को कट करो और 2 लिखो, क्योंकि 2 में से 4 तो नहीं निकल सकता, 2 स्मॉल नंबर है, तो 2 लिखो और पास वाले नंबर में से 1 हम ले लेते हैं। तो 9 के पास से हमने 1 ले लिया, तो 9 में से 1 निकाल देते तो उसके पास कितने बचते हैं, 8, तो अभी 12 माइनस 4
अभी 12 अपनी उंगलियां में गिनो और 4 को कट करो, तो कितने बचते हैं 8, तो यहाँ पर 8 लिखो, 8 फिंगर्स में गिनो और 5 को कट करो तो कितने बचे हैं 3, मतलब 92 है वो 54 से 38 गुना ज़्यादा बड़ा नंबर है। वैसे सेकंड देख लेते हैं, नूपुर हैड 99 स्वीट, नूपुर नाम की लड़की है उसके पास कितनी मिठाई है 99, शी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब किसी को देना, शी डिस्ट्रीब्यूटेड 48 स्वीट, वो 48 स्वीट किसी को दे देती है, तो हाउ मैनी, हाउ मैनी मतलब कि उसके पास अभी कितनी बची है, तो बची को इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट, उसके पास कितनी बची है, तो मतलब उसके पास 99 थी उसने दे दी, गिव अवे कर दिया, तो मतलब माइनस करना है तो सब्ट्रैक्शन आएगा फिर से, अभी 9 और 8, तो 9 बड़ा नंबर है तो निकल जाएगा, तो उसमें कैंसिलेशन नहीं करना है, तो 9 फिंगर्स अपनी उंगलियां में गिनो और 8 को कट करो तो कितने बचते हैं 1, अभी फिर से 9 गिनो, 4 को टेक अवे कर दो तो कितने बचते हैं 1 2 3 4 5, तो 51 मिठाई अभी नूपुर के पास बची है। यहाँ पर आपको पेज नंबर 62 पे आपको 3 सम्स दिए हुए हैं ये सब्ट्रैक्शन के, 2 मैंने दिखाए हैं, 1 आपको करना है ट्राई। अभी पेज नंबर 63 पे देखो, 63 पेज नंबर पे क्या है, स्नेहा हैज 12 डॉल्स, स्नेहा नाम की लड़की है उसके पास 12 डॉल्स है, हर अंकल गिफ्टेड हर 14 डॉल्स, उसने अंकल ने उसको 14 डॉल्स दी, मोर, मोर मतलब एडिशन, हाउ मैनी डॉल्स डज स्नेहा हैव नाउ, मतलब मोर आया क्वेश्चन में, मतलब कि आपको क्वेश्चन में एडिशंस करना है, तो 2 + 4, 2 इन माइंड 4 इन फिंगर्स, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है 3, 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6, 1 इन माइंड 1 इन फिंगर्स, जो माइंड में रखा है उसके बाद कौन सा नंबर आता है 2, तो 2 यहाँ पर 2, तो अभी उसके पास कितनी डॉल्स हो गई, 26। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रामू सोल्ड हिज क्रिकेट बैट फॉर ₹65, रामू नाम का लड़का है उसने अपना बैट कितने में बेच दिया, ₹65 में, ही ऑल्सो सोल्ड हिज क्रिकेट बॉल फॉर ₹37, अभी उसने बॉल भी बेच दिया 37 में, हाउ मच मनी, हाउ मच आया मतलब एडिशन, इस दोनों का एडिशन करते हैं, 65 + 37, 5 इन माइंड 7 इन फिंगर्स, तो कितने होते हैं 5 इन माइंड 7 इन फिंगर्स 12, तो 1 कैरी ईयर और 2 ईयर, 1 + 6 = 7, 7 + 3 = 10, तो अभी उसके पास कितने पैसे हो गए 102, तो वैसे आपको अभी पेज नंबर 64 पे भी 2 सम्स दिए हुए, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एडिशन के हैं और सब्ट्रैक्शन के हैं, तो वैसे चैप्टर नंबर 12 पूरा आपको वर्कबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।